और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं ओम प्रकाश राजभर। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। बनारस के सर्किट हाउस में दोनों नेताओं से मुलाकात हुई है। दोनों के बीच बंद कमरे में आधा घंटे तक बातचीत हुई है। सूत्रों का अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने बेटे की शादी का न्योता भी भेजा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच सके थे। योगी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर शादी में अवनीश अवस्थी को भेजा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात बनारस के सर्किट हाउस में हुई है। जब यह मुलाकात हो रही थी, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर भी साथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, तो एक बार फिर सियासी हल्ला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की भूमिका को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मतदाताओं में भी दुविधा है कि मिस्टर राजभर इस बार किसके साथ होंगे। ऐसे में ये तस्वीर कई संकेत देती है और इस तस्वीर से सियासी सुर्खियां भी बन रही हैं। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पुराने साथी रहे हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मोहभंग हुआ था, तो राजभर समाजवादी पार्टी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में शामिल थे, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया। तो अब एक बार फिर गठबंधन की संभावनाओं को ओम प्रकाश राजभर तलाश रहे हैं। और इन्हीं संभावनाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर ने जब बेटे अरुण राजभर की शादी की, तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को दावतनामा भेजा, जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ उनके खास लम्हों को देखा गया। और उन खास लम्हों की जब तस्वीरें वायरल हुई, तो कयास लगाए जाने लगे कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ संभावनाओं को तलाश रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इन कयासों के बीच अचानक से जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस तस्वीर ने कई मायने पेश कर दिए हैं। तस्वीर के मायने साफ बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तस्वीर में ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच एक लंबी बातचीत हुई है, और इस लंबी बातचीत के बाद अब दोनों नेताओं के सियासी गठबंधन को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का रसूख अलग से पता चलता है, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी गलबहियां बढ़ा रही है। तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजभर जहां अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि उसकी स्थिति मजबूत रहे, और मजबूत स्थिति में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। तो देखना यह है कि ये तस्वीर क्या गठबंधन का रूप लेती है या नहीं, लेकिन फिलहाल इस पर कयासों का दौर जारी है। और ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद से सुर्खियां बन रही हैं। हालांकि सुभाषपा के मीडिया सूत्रों के जरिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर ने अरुण राजभर की शादी का न्योता दिया था, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अवनीश अवस्थी को शादी में भेजा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे थे। इसका कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाए, लेकिन जब दो सियासी हस्तियां चुनावी माहौल के बीच मिलती हैं, तो फिर सियासी मायने जरूर निकाले जाते हैं, और एक बार फिर उसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं।